हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो हम हो रहे हैं रेडी इंडिया गेट जाने के लिए। बस मैं भी हो चुकी हूँ रेडी, सब तैयार हैं अच्छी तरह से। फलक सफाई करो, तुम भी करो सफाई। तो भी हाँ, हमारे साथ मोए मोए हो गया तैयार होने के बाद पूरा घर की सफाई करने वाला। अब बाय बोलना था। मोए मोए हेलो, विदाउट फिल्टर अच्छी लग रही हो। यू बोथ आर लुकिंग नाइस विदाउट फिल्टर। और मैं तो हमेशा अच्छी लगती हूँ बिना फिल्टर के। सो हम पहुंच गए हैं सीलमपुर सारे साथियों का वेट करने, क्योंकि हमने लिया था अपने लिए रिक्शा और हम लोग हो रहे हैं 9 लोग। तो हम अपने तीनों के तीनों रिक्शे में बैठ के आ गए और सबको छोड़ कर हमने ले ली मेट्रो। यहाँ आ चुके हैं फुप्पो भाई, सब आ चुके हैं। तो हम सब ने कर ली एंट्री और हम ऊपर करेंगे अब मेट्रो का वेट। और यहाँ जैसे ही मेट्रो आई, इस बच्ची ने कहना शुरू कर दे मेरे हेयर मतलब दिख रहे हैं इसके हिजाब के अंदर से, तो मैं करने लगी सैड। और फटाफट से हमारी मेट्रो भी आ गई और हमने ली मेट्रो। मेट्रो में भी हमें चैन कहाँ ही होता है, और फोटो वीडियो ना बनाए ऐसा भी नहीं होता है। बस उसके बाद क्या था, CH पर उतरे और बस बाहर निकलने की करी तैयारी इंडिया गेट के लिए। एक बहन अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि वो अपने ऑफिस से आएंगी डायरेक्ट, तो बस हमने किया एग्ज़िट। एग्ज़िट करके हम पहुँचे इंडिया गेट की अपोजिट साइड, जहाँ हमने डेरो वीडियोस एंड डेरो पिक्चर्स क्लिक करे। ये पानी मैला हो जाएगा। और कहना चाहेंगे आप? आप तो साफ हो जाओगे, मतलब पानी खराब हो जाएगा जी। आप कहना चाहते हैं? हां, संवाददाता फैमिली के साथ। कौन संवाददाता, कौन होता है पता नहीं, बताना। कैमरामैन नुसरत के साथ। पानी में पक जाना, पानी गंदा हो जाएगा। नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, मैं जो कुछ भी करता हूँ ना प्रेम से। फोटो शूट चल रहा है, ऐसा नहीं लीजिएगा उल्टा बैग पहन के। बटरफ्लाई बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर। गई उसके बाद बैडमिंटन खेला और बाजी ने मुझे कैप्चर किया है, मुझे और भाई को बैडमिंटन खेलते हुए बहुत दूर से। तो हम खेल रहे थे, सडनली वहाँ पे आ जाता है गार्ड, क्योंकि वो कह रहा था यहाँ पे बैडमिंटन खेलना अलाउ नहीं क्योंकि यहाँ की घास फिर ख़राब हो जाती है। तो हमने जल्द से बैडमिंटन को किया साइड और हम स्पीड में आ गए अपने जहाँ हम बैठे हुए थे उस साइड। ठीक है, ये देखिए हमारे दो राहगीर, दो मजदूर बोझा लेके जा चुके हैं, और ये हमारी सफाई वाली लड़की सफाई करने जा रही है चादर लेकर। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। फिर हम लेके गए थे बैडमिंटन, तो हमने बैडमिंटन दोबारा से खेलना स्टार्ट किया और मेरी नंबर आ चुका था। फिर मैंने यहाँ की लोकेशन देखते हुए कहा कि वाह मेरी एक सोलो वीडियो बना दो, तो भाई ने मेरी इतनी प्यारी वीडियो बनाई, मतलब बहुत ही अच्छा, लोकेशन बहुत प्यारी आ रही थी। बैडमिंटन खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मेरे भाई ने पूरी कोशिश करी कि मेरी सारी वीडियोज़ एंड फोटोज़ अच्छे आ जाएं, और उसने बहुत ही मेहनत करी, चारों तरफ से उसने अपने आप को रोलर कोस्टर बना दिया था। और ये वीडियो सच में अच्छी बनती। पीछे से चाचा आ रहे हैं सामान लेकर, हम इसी वाली बात पे हंस रहे कि हम लगे हुए फोटोज़ में, चाचा लेके आए सामान। यहाँ मैं अपनी वीडियो बनाने जा रही थी कि चाचा ने अपना दे दिया दौड़ लगाने वाला पोज, तो फिर मुझे उल्टा उनके साथ आना पड़ा। देखिए अब कितने सीधे बनेंगे। उसके बाद क्या था, नुसरत और दो कज़न दोबारा लग गई हैं खेलने में। हमने ये वाली वीडियो बनाने के लिए इतनी बार रिटेक लिया है बस पूछो मैं, मतलब 15 से 16 वीडियो बन चुकी थी और हमारा ये रिटेक नहीं हो पा रहा था, मतलब प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं आ पा रही थी जो हमने देखी थी सोशल मीडिया पे। तो हम सोचा उस तरह ही कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लग गए अपने आप कीकली खेलने, भाई को नहीं आती थी कीकली खेलने, तो फिर मैंने सोचा अपनी बड़ी वाली बहन के साथ खेली जाए, वो पहले डर के भाग गई। बेस्ट पिक्चर्स को फाइंड आउट किया और मैंने इस व्लॉग में ऐड किया। ये बाजी आ गई थी क्योंकि वो थोड़ा लेट आई थी ऑफिस से, तो उनकी फ़ोटोज़ तो बहुत ही प्यारी आई। उसके बाद हमने फ़ोटोज़ ली दोबारा से और एक शानदार से जगह ढूंढी जहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी। यहाँ हमने कुछ टाइम स्पेंड किया और खाना पीना, इधर देखो और हेलो बोलो। यहाँ पे एक दो घंटे तक हमने हंसी मजाक किया और खेल वेल जो करना था हमें आपस में, जो हम गेम्स वगैरह सोच गए थे वो गेम्स खेले और फिर निकल गए आगे की तरफ।
गाइस ये मेरी बहन है और ये मेरी कंजर वाली बहन है। गाइस ये वो सब काम करा रही है जो बहन बोलती है। गाइस ये खाली मुझे खाली काम करने के लिए मेरे पास है। गाइस अंडरस्टैंड नाउ आई एम नॉट लायर शी इज द बिगेस्ट लायर यू नो लाइक यू कम बैक आई एम सीखी एक्चुअली तो हम आज इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ठीक है चेंज कर इस हल्ला गुल्ला के बाद हमने एक वीडियो जो बनाई थी वो इतनी अच्छी बनी कि बस हमारे दिल को छुई और आई होप आपको भी वो वीडियो बहुत अच्छी लगेगी जो इस वीडियो के बाद आपको दिखाऊंगी। सो मेरे दिल के दिल के दिल के भी दिल में है तू। हेलो बच्चा पार्टी। हाय ये कौन सी बच्ची आई छोटी सी ये वाली कहाँ है उंगली मेरी ये वाली नहीं ब्लैक चादर वाली बच्ची की बात कर रहा हूँ। ब्लैक चादर वाली बच्ची की बात हो रही है। तो हम चल रहे हैं अपना बोझा उठा के इंडिया गेट की तरफ। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे आधे साथी तो पड़े हैं पीछे। हमने उस दिन 3 से 4 जगह चेंज की थी बैठने के लिए कि बार बार अच्छी अच्छी जगह मिलती रहे और इस शैतानी के बाद मैं और भाई इन सबको एक जगह बिठा के हम निकल गए अच्छे फोटोज के लिए। लास्ट टाइम जब आए थे तो इंडिया गेट के पास इतना क्राउड था कि फोटोज ही नहीं आ पाए थे। बट इस बार भी यही होता जा रहा है, जितने इतना हम इंडिया गेट के करीब जा रहे थे उतना ज़्यादा क्राउड हमें मिल रहा था। फिर भी ये सोच के हम आगे बढ़े जा रहे हैं कि हमें फोटोज अच्छे मिलेंगे। तो हम दोनों भाई बहन चल दिए फोटो के लिए लोकेशन ढूंढने। मेरी वाली शर्ट मेरे पे थी ना जब मैं ये डाला था स्ट्राइप की शर्ट वाइट बच्चे वाली देखो तुम सारे चेक किए दादा सर लेकिन ये अच्छी लग रही है और मैं तो पहनूंगी खोल के अंदर टी शर्ट पहन के। अभी भी इंडिया गेट बहुत ही दूर है बहुत दूर हम सबको छोड़ के आए पीछे आराम से बैठने के लिए। दूर से देखने में इंडिया गेट इतना करीब लग रहा था बट जैसे जैसे आगे जा रहे थे इंडिया गेट करीब ही नहीं आ रहा था। बट जब हम इंडिया गेट जा रहे तो हमें बहुत ही शानदार लजीज चीज़ दिख गई वो थे गोलगप्पे और मैंने सबसे पहले गोलगप्पे खाए और खाते वक्त मुझे याद आया कि पैसे तो मेरी जेब में ही नहीं। फिर मैंने भाई से पूछा तुम्हारे पास पैसे हैंगे ना तो उन्होंने कहा यस। एकदम से भैया बोले कि पेटीएम भी हो जाएगा बट पेटीएम नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो पा रहा था तो भाई को देने पड़ गए 30 रुपये। ओह माय गॉड और उस चक्कर में मुझे खिलानी पड़ गई इनको आइसक्रीम। और ये गोलगप्पे का सीक्रेट है क्लिक करने के लिए बढ़िया सा पॉइंट। हमने फोटो क्लिक भी कर लिए। तो मेरे साथ मजाक हो गया हमारे साथ तो मजाक हो गया मेरा शर्ट नीचे पौधों में फंस गया। मोए मोए अंधेरा भी होने लगा फोटोज भी इतने अच्छे नहीं आ रहे लेकिन मेरे अकॉर्डिंग से फोटोज अच्छा आ गए। सो बाय। गोलगप्पे की पेमेंट करवानी पड़ गई मुझको भारी। मुझे गोलगप्पे के बदले में इनको खिलानी पड़ गई आइसक्रीम। ओह माय गॉड। और फिर खाने पीने के बाद हमने डिसाइड किया कि आइसक्रीम और गोलगप्पे के बारे में वहाँ जाकर हम किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि हम सब ने डिसाइड किया था कि हम गोलगप्पे और आइसक्रीम एक साथ खाएंगे। बट हमें यहाँ पे लग गया था टाइम फोटोज़ में तो हमने चुपचाप खा ली और वहाँ जाके हमने दोबारा से एक चालाकी दिखाई। और हम जा रहे हैं अब अपने चाचा बहन और कज़न्स के पास क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। तो ये था मेरा हाफ व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो पार्ट 2 का वेट करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं। और ये बताना मत भूलना कि पार्ट 1 कैसा लगा और ये कुछ फ़ोटो इंडिया गेट के जो कि हमें मिल गए अच्छे से। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें। तब तक के लिए बाय बाय।